अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल हैं आपके? और मुझे उम्मीद है अल्लाह पाक से कि आप जहाँ रहें खुश रहें। तो व्यूअर्स, आज हम एक नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। आज सुबह मुझे मेरे एक दोस्त ने कॉल की, मुझे कहा कि यार हमारे थोड़ी डिश नहीं चल रही। तो मैं सुबह उनके पास गया अपने गाँव में, तो जब हमने जाकर उनकी डिश को देखा, उनकी डिश थी तकरीबन मतलब 17-18 साल पुरानी डिश थी वो। तो जब मैं उधर पहुंचा तो मैंने देखा कि आपने फीड हार्न को मुड़ा हुआ है। वो कहते हैं भाई हमने फीड हार्न को डिश के ऊपर हर जगह पे मूव करके देखा है, मगर ये जो रॉड्स हैं डिश के रॉड्स या सलाखें जिन्हें आप बोलते हैं, तो वो इतने सख्त हैं वो कि वो हमारे से ज़्यादा जो है ना मोड़ी नहीं जाती। तो मैंने बोला ठीक है भाई। तो हम गए तो हमने जाके डिश को खोला। डिश को खोलने के बाद हमने सलाखों को मैंने नीचे खोल के उनको मैंने चेक किया, तो वो जो सलाखें थीं वो बहुत ही ज़्यादा टेढ़ी थीं, उनमें बहुत ही ज़्यादा खम था। जैसे वो उसने उनकी डिश को जो है ना वो मुकम्मल तौर पे गैर ऑपरेट किया हुआ था डिश को। तो हमने वन टू वाल सब कुछ खोला डिश का, ख़ास तौर पे सलाखें फीड ऑन खोलने के बाद हमने उनको वन बाई वन चेक किया। तो जब मैंने सलाखों को आपस में मिलाया तो सलाखें आपस में नहीं मिल रही थी। मिसाल के तौर पर कैसे नहीं मिल रही थी, व्यूअर्स ये छोटा सा डेमो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जब हम सलाख को मोड़ते हैं ना, सलाख की एक साइड को हम रखते हैं ऊपर और एक साइड को रखते हैं हम ऐसे एस बना के, जिसको कहते हैं एस। तो ये आपने इसको ऐसे रखा, इधर आपने इसको करके टाइट कर दिया सुराख को आपने, तो ये फिर हमारा सीधा जाके ये लगेगा डिश के ऊपर। ये देख सकते हैं आप, ये देखें, ये हमारा जाके लगेगा सीधा डिश के ऊपर ऐसे ये। तो उनकी जो ये सलाखें थी उनमें से दो सलाखें मुड़ी हुई थी, दो सलाखें, एक सलाख में थोड़ा कम खम था मगर दूसरी में बहुत ही ज़्यादा खम था। तो उसकी वजह से उन दोनों सलाखों ने उनके लिए बहुत ही मसला क्रिएट किया हुआ था। तो मैं आपको बताता हूँ, ये देखें आप डेमो, देखें आप ये डेमो, जो उनकी जो एक सलाख थी ना उनकी, तो वो कुछ उसकी ये हालत थी। ये देखें आप, ये आपके सामने मैं डेमो ये रख रहा हूँ, डेमो है ये हमारा। जब आप इसको ये देखें तो व्यूअर्स ये अब आप खुद ही अंदाज़ा लगाएं, ये देखें कितना इनमें डिफरेंस आ रहा है आपके सामने ये। तो उसके इस वजह से ना, एक तो ये सलाखें थी भी बहुत सख्त, तो ये जो है ना इनको यहाँ से पकड़ने के मोड़ने के बाद भी ये नहीं मुड़ती थी, मतलब जोर लगाते थे ना तो ये कोई ख़ास नहीं जो है ना इनमें वो थी, खम नहीं आता था ज़्यादा, इस वजह से ये इन्होंने बहुत हमें डिस्टर्ब किया। फिर हमने क्या किया, इन दोनों सलाखों को हमने यहाँ से कटवा लिया। यहाँ से कटवाने के बाद फिर हमने इनको ऐसा करवा दिया, लगवा दिया इनको। ये मैं आपके सामने, ये मैं थोड़ा डेमो भी बना लूँ इसका, ये आप देख रहे हैं ये डेमो। तो व्यूअर्स ये देख सकते हैं कि ये डेमो अब तकरीबन ये बराबर ही है। ये थोड़ी पतली है, इस वजह से ये थोड़ा हमें परेशान कर रही है, इसको मैं थोड़ा
सेट कर लूँ मैं इसको थोड़ा सा। तो व्यूअर्स ये अब आप देख सकते हैं कि ये दोनों पत्रियाँ आप ये एक जैसी हो गई हैं। जब आप इनको सीधा करने के बाद, मतलब यहाँ से हमने इसको कटवा के वेल्ड करवाया, वेल्ड करवाने के बाद ये फिर हो गई दोनों ऐसे सीधी। जब हमने इनको आके डिश के ऊपर फिट किया तो उनका जो डिश का रिज़ल्ट था वो तकरीबन, मिसाल के तौर पे अगर वो पहले उनको दे रहा था 35-40%, तो सीधा उनका वो गया तकरीबन 65%। उनका वो रिज़ल्ट उनको मिला सुबह, तकरीबन हम परेशान तो बहुत हुए, तो मगर अल्लाह की मेहरबानी से वो हमने उसको हैंडल कर लिया। बहरहाल व्यूअर्स, अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको आपने लाइक भी लाजमी करना है, शेयर भी लाजमी करना है, और कमेंट्स बॉक्स में जाके आपने हमें कमेंट्स लाजमी करना है। बाकियों का गुज़ारा होता हो तो ठीक है, मगर मेरा कमेंट्स के बगैर मेरा गुज़ारा नहीं होता। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, मुझे उम्मीद है कि ये आपको लाजमी पसंद आएगी, और मुझे उम्मीद है कि जो हमारे वो एक भाई ने मुझे मैसेज किया था कि मेरी प्राइम फोकस डिश है तो वो उसकी सलाखें मेरे से ठीक नहीं हो रही, उनकी सलाखें थी बहुत हार्ड, जब डिश गिरी है, डिश के गिरने के बाद जो उनकी सलाखें हैं उनका तकरीबन जो मैंने आपको डेमो करके दिखाया था वो ऐसे मुड़ गई थी, मुड़ गई होंगी बल्कि। तो वो उनको चाहिए कि वो अपनी उन सलाखों को ठीक करवाएं, उसके बाद फिर वो जाके उसको लगाएं। मुझे उम्मीद है कि वो उनकी प्राइम फोकस डिश भी ठीक हो जाएगी। व्यूअर्स, मेरी लोकेशन साउथ पंजाब, ज़िला मुजफ्फरगढ़, पाकिस्तान है। शुक्रिया।